पाकिस्तान बढ़ाएगा हरियाणा पंजाब में प्रदूषण। लाहौर का AQI 1700 तक पहुंचा। हवा का रुख बदला तो दोनों राज्यों को दिक्कत होगी। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण हरियाणा और पंजाब की हवा खराब करेगा। दो दिन पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 1700 के आसपास था। मंगलवार 5 नवंबर सुबह भी लाहौर का AQI 666 दर्ज किया गया। अगर हवा का रुख बदलता है तो भारत के इन दोनों राज्यों में दिक्कत पड़ेगी। दिवाली के बाद दोनों ही राज्यों के अधिकतर शहरों की हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार सबसे प्रदूषित शहर हैं। यहां AQI 500 तक पहुंच गया है। राज्य के 8 शहरों का AQI 400 से ऊपर है। पंजाब में अमृतसर और लुधियाना में प्रदूषण में सुधार देखने को मिला है। अमृतसर जो एक दिन पहले देश का सबसे प्रदूषित शहर था, वहां AQI 200 से भी नीचे आकर 188 पर पहुंच गया है। इसी तरह लुधियाना का AQI 184 दर्ज किया गया, लेकिन चंडीगढ़ सहित जालंधर, खन्ना, मंडी, गोविंदगढ़ और पटियाली में AQI अभी भी 200 के पार है। हवा चलने से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन रात में आगजनी की घटनाओं और उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। दिन में ट्रैफिक जाम और सड़कों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है।